हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश एंड वेलकम टू आवर ट्यूटोरियल लेट्स लर्न। तो दोस्तों, आज के वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ मैथ एग्जाम पास कैसे करें। क्लास टेंथ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो यार पूरे दिन से यही सोचते रहते हैं मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं मैथ में बहुत वीक हूँ, मैथ मेरे को समझ में ही नहीं आती, मैथ मेरे लिए बनी ही नहीं है, मैं एकदम घोंचू हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मैथ में मैं पक्का फेल हूँ। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो दोस्तों, यह वीडियो आप ही के लिए बनाई है, स्पेशली फॉर यू। तो यह वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। अब आपको यहाँ पर सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ दोस्तों एक काम, वो एक काम है दोस्तों मेहनत, जो आपने बहुत बार सुना होगा, टीचर ने भी कहा होगा कि मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, मेहनत करो। लेकिन करते कैसे हैं मेहनत दोस्तों? आपके पास 6 से 7 दिन है, इस 6 से 7 दिन में आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग का मतलब है, मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि आप जब सुबह उठो ना, तो आपको मैथ का पेपर, तो आपका जो मैथ का एग्जाम है, तो सुबह उठते ही आपको मैथ पढ़ना है। तो अब मैं खुद अपने टिप्स बताता हूँ कि सबसे पहला काम दोस्तों, सबसे पहला काम वो है दोस्तों, आपको एनालिसिस करना है। आपका जो चैप्टर है, आपके जो जितने भी चैप्टर हैं, आपके सोच सकते हो कि आपको जो चैप्टर एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना है के साथ आपको एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट में आपको ये लिखना है कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ज़्यादा मार्क्स के आते हैं और वो कम समय में हो जाते हैं। अगर ये चीज़ कर लेना दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं जो बात बोल रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ समझ जाते हो और उस पर इम्प्लीमेंट करके पढ़ाई करते हो, तो आपके ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको लिस्ट बनानी है कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के आते हैं, हाई स्कोरिंग चैप्टर कौन से हैं, ज़्यादा वेटेज वाले हैं लेकिन कम समय में हो जाएंगे। चेक करो कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जो हम 2 घंटे में या 3 घंटे में या 1 घंटे में कंप्लीट कर सकता हूँ। जो चैप्टर दोस्तों आपने पढ़ रखा हो, आपके क्लास टीचर ने आपको पढ़ा रखा हो, जो आपने पहले कर रखा है, जो आपने पहले देख रखा है, और जो चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा ईजी होते हैं दोस्तों। ऐसा तो होता ही है कि हाँ, कुछ चैप्टर टफ होते हैं, कुछ चैप्टर ईजी होते हैं, लेकिन जो चैप्टर ईजी है, जो आप कर सकते हो, वो दोस्तों चैप्टर ज़रूर करें। और जो चैप्टर आपने पहले पढ़ रखा है, उसकी तैयारी पहले ही करें, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब दोस्तों बात करता हूँ कि कैसे पढ़ें। दोस्तों आपके पास यही समय है इन 7 डे में इफ़ेक्टिवली स्टडी करने का, आपके पास यही समय है कि इन 6 से 7 दिन में मुझे मेहनत करके इतने अच्छे मार्क्स लाने हैं, इतने अच्छे मार्क्स लाने हैं कि जो आपको बगल वाला जो क्लास दोस्त है, जो आपका दोस्त है, वो पूरे साल पढ़कर, ट्यूशन से भी पढ़कर, हर चीज़ करने के बाद उसके 80% आ रहे हैं और आपके 7 दिन में पढ़ के 80% आने कैसे? लेकिन वो होगा मेहनत से, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। अगर मैं बोलता हूँ आप सुनते हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप इस चीज़ को सुन के समझ कर, अगर आप इंप्लीमेंट करते हो, मेहनत करते हो, तभी होगा। तो वो कैसे होगा? आपको सिंपल पेपर से, लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर से, पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर से आपको इसे डायरेक्ट स्टडी करनी है। आपके पास यही समय है सैंपल पेपर से दोस्तों, 1 घंटा पूरा पढ़ो कि जो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने टिक कर रहे थे, उन क्वेश्चन को रिव्यू करो, उनका पढ़ो, सैंपल पेपर से देखो कि मुझे कितना आता है, उसकी प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, चेक करो। आपको बस 2 घंटे तक एक चैप्टर पे देना ही देना है, 2 घंटे दो और सुबह उठते ही आप इस चीज़ में लग जाओ। दोस्तों आपके पास यही समय है दोस्तों, जो टाइम होता है ना वो बहुत गोल्डन होता है, ये समय दोस्तों कभी लौट कर वापस नहीं आने वाला। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसमें पढ़ाई कर लो, आप अच्छे मार्क्स ले आओ, आप कह सकते हो सीनियर ठोक के कि हाँ भाई मैंने मेहनत करी थी, मैंने इस 7 दिन में पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाया और तू पूरे साल पढ़कर अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया। या तो आप दोस्तों, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इन 7 डे में मेहनत करूँ, जैसे मैंने बताया कि एक एनालिसिस करूँ, सिंपल पेपर से पिछले 3 साल क्वेश्चन पेपर से मेहनत करूँ, या तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसा अभी तक चल रहा था चलने दो, सोचते रहो, परेशान होते रहो, टेंशन लेते रहो, नेगेटिव थॉट को बढ़ने दो अपने दिमाग में, पागल हो जाओ यही सोचो कि मेरे को मैथ नहीं आती। या तो सेकंड ऑप्शन ने मत पढ़ो, फिर बाद में पछतावा होगा। तो क्यों ना दोस्तों पहला ऑप्शन अपनाया जाए। बस आपको करना ही है कि आपको अपना 100% देना है, आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, उसको आपको बढ़ाना है। अगर आप 1 घंटे स्टडी करते हो तो आपको 2 घंटे पढ़ना है, और क्यों ना पढ़ो भाई, यही तो उम्र है आपकी पढ़ने की। इस उम्र में नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? जब आप 25 साल के हो जाओगे, 30 साल के हो जाओगे, तब पढ़ोगे। आपको दोस्तों पास नहीं होना, पास तो दोस्तों हर कोई होता है, आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं। पास करने से दोस्तों क्या होगा? दोस्तों मेहनत करो। तो दोस्तों जो उनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, उनका दोस्तों सेलेक्ट करो। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल रियल नंबर जो पहले चैप्टर, उसमें 8 मार्क्स के आते हैं, जैसे ट्रायंगल का 6ठा चैप्टर 8 मार्क्स के आते हैं, 7वां चैप्टर वॉल्यूम का 13वां चैप्टर जो है 13वां चैप्टर वॉल्यूम का 7 मार्क्स का आता है, स्टैटिक्स का चैप्टर है 8 मार्क्स का आता है,
सातवां चैप्टर, आठवां चैप्टर, नौवां चैप्टर जो आपका है 6-6 मार्क्स का आते हैं, ये फॉर एग्जांपल है, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो खुद से। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते दोस्तों, फिर आप क्या करोगे? आप जाओ चेक करो कौन सा चैप्टर में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, उन चैप्टर को सिलेक्ट करो, ऐसे चैप्टर सिलेक्ट करो, फिर उनके डायरेक्ट सैम्पल पेपर से स्टडी करो। दोस्तों ज़्यादा सोचना नहीं है, और वीडियो ज़्यादा देखो मत, ज़्यादा कुछ सोचो मत, और एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, दोस्ती वगैरह, ये फलाना दिखाना कुछ भी मत करो। इस वीडियो को देखने के बाद बंद करो और जाओ और पढ़ाई करो। अगर आप दूसरी वीडियो देखोगे या टीवी देखोगे या यूट्यूब चलाओगे या गाने सुनोगे, तो फिर आपका दिमाग भटक जाएगा, फिर आप यही सोचते रहोगे कि कैसे पढ़ूँ, मैं नहीं पढ़ पाता। जाओ दोस्तों, मेहनत करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथ एग्ज़ाम।